राष्ट्रवाद का अति लघु तरीय प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रवाद क्या है, यह अति लघु तरीय का प्रश्न होगा, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ और आगे का क्वेश्चन आगे के वीडियो में करवा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि राष्ट्रवाद है क्या, यानी राष्ट्रवाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका उत्तर देखिए, हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं, क्योंकि बोर्ड पर लिखने में काफी ज्यादा समय लगता है, इसीलिए हम क्वेश्चन को पहले ही लिख लिए और आप लोग को इसका भावना को समझाएंगे कि राष्ट्रवाद है क्या। चलिए देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। देखिए, अपने राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोगों का देश भारत है और भारत के प्रति हम लोग जो प्रेम करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो यह क्या है, भारत का क्या बताता है, राष्ट्रवाद बताता है उसमें, कि हम उसमें क्या बताते हैं, राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति सोच या लगाव की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम लोग समझ गए कि राष्ट्रवाद जो है अपने देश के प्रति सोच या लगाव की भावना है। ठीक है, और यही इसी में एक पॉइंट है कि यह एक ऐसी भावना है, या एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की एकता का भाग बनती है। एकता का भाग, एकता का मतलब क्या होता है, मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना होती है, तो वह भावना है विशेष भौगोलिक, भौगोलिक मतलब क्या होता है, क्षेत्र, जहां पर देखिए मैदानी क्षेत्र हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गया, ये सब क्या है, एक क्षेत्र हो गया, तो भौगोलिक क्षेत्र हुआ, सांस्कृतिक या सामाजिक, हम लोग जो समाज में रहते हैं वही हो गया सामाजिक, परिवेश में रहने वाले लोगों, जो परिवेश में रहने वाले जनता होते हैं, लोग होते हैं। ठीक है, एकता का भाग बनती है, सभी लोग एकजुट होते हैं राष्ट्रवाद की भावना के कारण। अगर भारत में यदि राष्ट्रवाद नहीं होता तो हम लोग जो है भारत गुलाम होता। ठीक है, तो हम लोग समझ गए राष्ट्रवाद क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मेजिनी कौन था, मेजिनी कौन था। आप लोग को बता दें कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो मेजिनी ने उस समय बहुत सारे योगदान दिया, तो उसी के बारे में हम लोग मेजिनी के बारे में पॉइंट को लिख देंगे। मेजिनी, देखिए मेजिनी दार्शनिक, साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति भी था। ठीक है, मेजिनी जो है दार्शनिक था। दार्शनिक का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग देशों में जाके दर्शनीय स्तर को देखता है उसी को दार्शनिक कहते हैं। साहित्यकार मतलब साहित्य लिखने वाले को साहित्यकार कहते हैं। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, यानी गणतांत्रिक मतलब क्या था, लोकतंत्र में विश्वास रखता था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। और इसके साथ साथ योग्य सेनापति भी था। ठीक है, वे इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराकर एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, मतलब मेजिनी जो है इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराकर इटली का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, इटली को एक करना चाहता था। ठीक है, सन 1831 में यंग इटली, सन 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना मेजिनी ने किया, तथा 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन करके राष्ट्रवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको 20 से 30 ही बढ़ में इसका आंसर दिया। अगर ये लंब क्वेश्चन होता तो इसको हम और आगे भी कर सकते थे, लेकिन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन को कम से कम आपका जो है 30 वर्ड में आंसर देना होता है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे अगर क्वेश्चन इसी तरह आप लोग चाहते हैं कि वीडियो देखना, तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।